आज सुबह की इस इबादत में आप लोग सबका स्वागत है। आज की इबादत थोड़ी लेट शुरू हुई है, उसका कारण है ये एक स्पेशल स्पीकर थे दो सर्विसेज में, और दूसरा ये है कि आप देखेंगे सामने ऑल्टर पर, प्रभु की मेज पर एक नई चांदी की क्रॉस लगाई गई है। पुरानी वाली चांदी की क्रॉस हटा दी गई है, नई वाली लगाई गई है। और पुरानी वाली चांदी की क्रॉस को हम अच्छी जगह रखेंगे। वो क्रॉस इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने दी थी, तो हम उसको सही जगह अच्छी जगह रखेंगे, लेकिन उसकी जगह इस वाली क्रॉस को लगाई गई। तो वो समर्पण की विधि में भी थोड़ा सा टाइम लगा, तो आज का हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है। ये ईस्टर के पर्व के बाद का पहला इतवार है आज, और हमारे आराधना का विषय है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जरिए हमें आनंद और शांति, सामर्थ और नया जीवन प्राप्त होता है। प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं, प्रभु यीशु जी उठे हैं, वो सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। हम अपने आराधना का पहला गीत गाएंगे 662।
रोज की पुस्तक में पेज नंबर 119 और सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमुच्च हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके उन आशीर्वादों के लिए प्रभु जी जो बीते हफ्तों में आपने हमें दिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए और आज की संगति के लिए। प्रभु जी, जब हम आज के दिन तेरे वचनों को पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं पिता परमेश्वर, उससे जो भी कुछ प्रभु जी हासिल करते हैं, उसको अपने जीवन में पिता परमेश्वर आत्मसात करें और अपने जीवनों को प्रभु जी तेरी इच्छा और मर्जी के मुताबिक व्यतीत कर सकें। हमें से हर एक के साथ हो प्रभु जी, हर एक के दिलों को आज छुए और प्रभु जी हर एक के जीवनों को आशीषित करें। प्रार्थना का उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने से हमारे लिए शाश्वत जीवन की आशा की पुनः स्थापना की। वर दीजिए कि हम जिन्होंने इस आनंद में आशा के साथ नया जन्म पाया है, उनकी शांति में बने रहें और संसार में मृत्यु पर उनकी विजय को प्रकट करें, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। मंडली के कृपया बैठे, इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ वचन प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 वचन 32-35 तक। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहाँ तक कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उसको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष दे, आमीन।
रिस्पॉन्सिव रीडिंग भजन संहिता से। भजन संहिता 118, उसका 19 अध्याय, 118 अध्याय 19 से 26 तक। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूँगा। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सर्वदा होती रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ, पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, 1 आयत से 7 आयत तक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू में हम सब पापों से शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का वचन है। इससे पहले हम लोग सुसमाचार पाठ में हम लोग जाएं, हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों, इससे हम लोग प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 997, 997, क्रूसी है तेरा निशान। Oh,
दिन के लिए सुसमाचार पाठ लिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके पद 19 से लेकर 31 तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। वचन में ऐसा लिखा है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपना उंगली ना डाल लूं और उनके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमेन। आप कृपा बैठिए। आज हम सूचनाएं जब देंगे उस समय हम एक विशेष धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे माँ बाप के लिए और उनके नन्हे शिशु के लिए। तो मैं भी आप लोग सबको एनकरेज करूँगा, जब परिवार में एक नन्हा शिशु का वरदान परमेश्वर हमें देते हैं तो उनके लिए, उसके माँ बाप के लिए हम लोग को धन्यवाद ईश्वर का करना चाहिए। और बच्चे के बपतिस्मे से पहले या उसका डेडिकेशन से पहले ज़रूर उस बच्चे को माँ बाप के साथ परमेश्वर के सामने आना चाहिए ताकि ईश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी भी हम आराधना करेंगे आज। आज हमारे सामने एक वचन पढ़ा गया है और उस वचन में जो इंजील का हिस्सा है उसके दो उसमें हादसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो जाने के बाद वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे, उनके पास आते रहे, उनसे बातचीत करते रहे और लोगों को बताते रहे कि देखो
मुझे मारा गया, दफनाया गया और मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं वो ही यीशु हूं। मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं कोई प्रेतात्मा नहीं हूं, मैं जीवित वो ही व्यक्ति हूं जिसको मारा गया था और दफनाया गया था। और लोगों ने के सामने उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और उनसे बातचीत की और लोगों ने उन पर विश्वास किया। पहली तो यह घटना है उस मर्तबा जब उन्होंने अपने शिष्यों से बातचीत की और कहा तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम पुरोहित की सेवा इस दुनिया में करो, तुम लोगों के पाप क्षमा करो, जो पुरोहित की सेवा होती है, प्रीस्टली सर्विस, जो प्रीस्टली मिनिस्ट्री होती है प्रीस्ट लोगों की, पुरोहितों की। तो हम लोगों को उसने ये दिया, अधिकार दिया अपने 12 चेलों को कि तुम लोग, जो उस समय तो 11 रह गए थे, उनको अधिकार दिया कि तुम इस पुरोहित को, प्रीस्टली सर्विस को दुनिया में करो। उस पुरोहित का क्या सेवा है कि वो लोगों के पापों को परमेश्वर के नाम से क्षमा करे, उनको आश्वासन दे, उनको ये बताए इस आश्वासन के साथ कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, जैसे तुमने दूसरों के पापों को क्षमा किया है परमेश्वर ने तुम्हारे पाप भी क्षमा कर दिए हैं। ये काम जो है पुरोहितों को सौंपा गया है और उसके शिष्यों ने उसके इस बात को विश्वास किया और प्रभु ने उनके ऊपर फूंका और उनको शक्ति प्रदान करी। दूसरा उसी के साथ एक और हादसा हो गया। थोमा यानी थोमा जो उनके बीच में हाजिर नहीं था, उसको जब उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं इस पे ईमान रखता कि एक मुर्दा जिंदा हो गया, कि जब तक मैं उसके घाव को उसके हाथों में ना देखूं और पसली में जो भेदा गया था वो उसके अंदर अपनी उंगली ना गिरा दूं, जो यूनानी भाषा में जो है ना, जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा पावरफुल है, वहां पे लिखा हुआ जो भेदा गया है उसके पसली में भाले से, उस जख्म के अंदर मैं अपनी उंगली ना गिरा दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं, इन दोनों की तरफ ध्यान करते हुए। 2000 साल बीत चुके हैं, हमारे सामने हमेशा एक सवाल रहता है और रहा है पूरे मसीह कलीसिया के 2000 साल के इतिहास में। प्रभु यीशु मसीह के आसमान में उठा ले जाने के बाद ये सब हादसे जो हम नए नियम में पढ़ते हैं, इसके बाद 2000 साल बीत चुके हैं। सवाल हमारे साथ ये सामने ये रहता है कि हम क्रिश्चियन कैसे बनते हैं, हाउ डू वी बिकम क्रिश्चियंस, हम मसीही कैसे बनते हैं। तो इसके दो तरीकों से लोगों ने इसे समझाया है, कुछ ने एक बात कही है, कुछ ने दूसरी बात कही है। एक बात ये बताई गई है कि जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम मसीही बन जाते हैं। विश्वास करने से व्यक्ति मसीह बनता है। क्या विश्वास क्या करना है?
कि मसीह हमारे लिए मरे, मसीह जी उठे हैं और मसीह फिर आएंगे। और इसमें दो राय नहीं कि विश्वास करने से ही व्यक्ति मसीही बनता है। वी बिकम क्रिश्चियंस बाई बिलीविंग, अंग्रेजी में अगर हम बोले तो। ये एक मत रहा है। एक और दूसरा मत भी रहा है, वो ये रहा है कि जब तक हम जीसस को छुए ना, यानी जीसस को, मसीह को छू कर, ये फिर से बोलूं मैं, यीशु को छू कर हम मसीही बनते हैं। By touching Christ we become Christians। एक तरफ क्या है, मसीह के बारे में हम सुनकर उस पर विश्वास करते हैं, इससे मसीही बनते हैं। और दूसरी तरफ विचारधारा क्या है कि हम मसीह को, जीसस को, यीशु को छू लें तो हम मसीह क्रिश्चियन बन जाएंगे। दो विचारधाराएं हैं। तो एक जो हमारे सामने पाठ किया पढ़ा गया उसमें पहला बात तो ये लिखी गई थी कि उन्होंने, 12 चेलों ने प्रभु को देखा और उन्होंने, प्रभु ने उनसे कुछ बात करी, उन्होंने उस पर ईमान लाए और वो क्रिश्चियन बने हैं। दूसरी तरफ थोमा है, वो कहता है जब तक मैं छू के नहीं देखूंगा, मैं उसको छू के महसूस नहीं करूंगा, मैं विश्वासी नहीं बन सकता। छू कर ईमान लाना ये कई मर्तबा हुआ है नए टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। वो औरत जिसको 12 साल से बीमारी थी, खून बह रहा था, उसने प्रभु के दामन को आकर छुआ और वो चंगी हो गई। वो कोढ़ी जिसको खुदावन ने गांव के पन्हा के बाहर मुलाकात करी, जिससे उसको प्रभु ने छुआ और वो कोढ़ी ठीक हो गया। अंधे इंसान को प्रभु ने छुआ, उसकी आंख को, उसकी आंख में मट्टी का लेप लगाया और वो देखने लगा। तो ये बातें भी लिखी हुई हैं। आज के जमाने में हमारे कलीसिया में, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, CNI में, और खास तौर से हमारी इस कैथीड्रल चर्च में जो इबादत है, वो ये दो चीजों का जोड़ है, प्रभु का वचन पढ़ा जाता है और सुना जाता है, इससे हम विश्वास उत्पन्न करके क्रिश्चियन बनते हैं, और उसके बाद प्रभु भोज में प्रभु के बदन को हम छूते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, और हम प्रभु को उस रोटी के टुकड़े में छूकर विश्वास को पैदा करते हैं और हम क्रिश्चियन बनते हैं। दो तरीके से हम, दोनों चीजें इसमें शामिल की गई हैं। दोनों में ही प्रभु से मुलाकात होती है। जब हमने बाइबल के वचन को पढ़ा और उस वचन के ऊपर आपने प्रवचन सुना, आप क्रिश्चियन बने, क्योंकि आपका ईमान उभर के बाहर आया। और अब थोड़ी देर में हम रोटी को तोड़ेंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे, और उस रोटी को छूने में हमारा विश्वास उभरेगा और हम मसीही बनेंगे। रोटी इतनी छोटी होगी, इस हफ्ते में इससे छोटी रोटी आपको खाने को नहीं मिलेगी। अगर हम लेस के वेफर भी लेते हैं तो उसका भी
जो साइज है प्रभु भोज की रोटी से बड़ा होगा। इस छोटी सी रोटी में मोहब्बत की सबसे बड़ी कहानी छुपी है। जो इंसान इस छोटी सी रोटी में उस कहानी को देख सकता है वो विश्वासी होकर मसीही बन सकता है। बाइबल का जो आज पाठ पढ़े गए ये शायद किसी भी नॉवल से सबसे छोटे, इतनी छोटी कोई नॉवल लिखी नहीं जाती है। सिर्फ यही बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने अपने लोगों से बातचीत करी और थोमा से भी कहा कि आओ मुझे देखो, मेरे घाव को देखो। इससे छोटी कहानी आपको नहीं सुनाई देगी, पूरे हफ्ते लंबी लंबी कहानियां सुनाई देंगी और वो भी बुरी बुरी कहानियां। अखबार खोल के आप पढ़ो तो बुरी बुरी कहानियां, उसने उसका ये कोई क्राइम कर दिया तो उसने कुछ कुकर्म कर दिया तो उसका वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वहाँ हार हो गई तो वहाँ बगावत हो गई और वहाँ पे दंगा हो गया। कहानियाँ पढ़ेंगे लेकिन ऑल नेगेटिव कहानियाँ। आज की इतनी छोटी कहानी इंजील से पढ़ी गई है लेकिन वो एक सबसे बड़ी मोहब्बत की कहानी है। इन छोटी छोटी चीज़ों में एक परमेश्वर के बहुत बड़ी योजना और मोहब्बत को वही इंसान देखता है जो विश्वासी होता है, और जो उसको देख लेता है इस मोहब्बत को वो विश्वासी बन जाता है। क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने से मोहब्बत करने के लिए बनाया है और हमारा जिंदगी का मकसद और सुकून उसी में मिलता है जब हम खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हो जाते हैं। जब हमारी मोहब्बत खुदा से होने लगती है तब हम अपने उस चीज को पूरा, उस खालीपन को पूरा करते हैं जो हमें दुनिया में कोई दूसरी चीज से पूरी नहीं हो सकती है। वो मोहब्बत का खालीपन सिर्फ खुदा से मिलता है क्योंकि खुदा हमारा बनाने वाला है। खुदा ने हमारे दिल में मोहब्बत भरी है, खुदा खुद मोहब्बत से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में, इंजील की कहानी में और प्रभु भोज में हम एक बहुत बड़ी मोहब्बत की कहानी सुनते हैं और देखते हैं। तो प्रभु आप लोग सब को इस मोहब्बत से परिपूर्ण करें कि आप सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें, सबसे ज्यादा। और जब हम उससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे तो दुनिया में हर एक रिश्ता जो हमें मिलेगा, बच्चों का, पति पत्नी का, माँ बाप का, पड़ोसी का, दोस्तों का, और चर्च में जो हमारी फेलोशिप है, संगति का, ये सारी मोहब्बत, हर किस्म की मोहब्बत में पवित्रता आएगी क्योंकि वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। सच्ची मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह के कहानी में पूरी हुई है। पौलुस लिखते हैं कि इससे बड़ी और कोई मोहब्बत ही नहीं कि कोई दूसरा आपके लिए जान दे दे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि उसने हमारी नजात के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करी। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो हमने आपके वचन से सीखा है। प्रभु जी
इसको हम अपने दिल की गहराइयों में उतार सकें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हम खड़े होकर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। हम लोग इस समय अपना निकाय का विश्वास वचन पेज नंबर 122 सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तु का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर इकलौता पुत्र सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतीस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवनदाता है, वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं, हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें। मैं निवेदन करूंगा कि अभिनव मैसी साहब, स्वाति मैसी, दोनों अपने बच्चे दिव्यशा को लेकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए सामने आए। आप लोगों के अगर प्यूज में ये वाली आराधना पुस्तक की मोटी किताब रखी है, आप इसको ले लें, पेज 131 पर, सॉरी 331 पर, मोटी, ये मोटी सी किताब रखी होगी, इसमें आप देखिए पेज 331 हिंदी में अगर है तो, नहीं तो आप ध्यान से सुने, हमारी अंग्रेजी भाषा में भी आपको मिल जाए, पता नहीं हिंदी हिंदी में है नहीं सबके पास। आप अगर आपके पास हिंदी में ये पुस्तक नहीं तो आप ध्यान से सुने, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे स्वर्गिक पिता परमेश्वर ने आप पर भरोसा करके ये बच्ची आपको सौंपी है। उसने शिशु जन्म के संकट की घड़ी में जच्चा बच्चा की रक्षा की और दोनों को संकट से सुरक्षित निकाल लाया, इसलिए ये उचित है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। हम मानवीय प्रेम और पारिवारिक जीवन के उपहार के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सृष्टि और उसके सृष्टि कार्य में अपनी भागीदारी के लिए तथा उसके सब उपहारों के लिए जिनका उसने हमें प्रबंधक नियुक्त किया है, विशेषकर इस शिशु के उपहार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस बच्ची दिव्यशा के जन्म और सुरक्षित प्रसव के लिए प्रभु को धन्य कहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन सब लोगों के हुनर और देखभाल के लिए जो दिव्यशा के जन्म के समय सहायता करते हैं और उन सब के लिए भी जो आवश्यकता के ऐसे समय में हमारी मदद करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हम प्रार्थना करें। आपके पास धन्यवाद की कोई भेंट है? हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम दिविशा के उपहार और हमारे परिवार के लिए धन्यवाद की ये विनम्र भेंट आपको अर्पित करते हैं। हम सबकी सहायता कीजिए कि हम प्रेम तथा शांति से एक परिवार के रूप में मिलजुल कर रहें, ताकि हम आपसे और अधिक प्रेम और सच्चाई से आपकी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये आपके सेवक अभिनव और स्वति यहाँ आपकी इस कृपा के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देने आए हैं, जो आपने उन पर इस बच्ची दिविशा के उपहार के रूप में की है। अब इनकी सहायता कीजिए कि वे अपने परिवार की ऐसी देखभाल करें कि आप उनसे प्रसन्न हों और वे आपकी इच्छा को पूरा करें, और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाए कि आप उनके साथ सदा उपस्थित रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वर दीजिए कि दिविशा, जो अभिनव और स्वति के परिवार में जन्मी है, मसीह के विशाल परिवार तथा अर्थात कलीसिया में मसीह विश्वास की प्रौढ़ता में दिन ब दिन बढ़ती जाए। हम ये प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पित करते हैं, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और युग युगांतक जीवित और राज करते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आपके आने जाने, उठने बैठने, बोलने और चुप रहने पर, आपकी प्रार्थनाओं और काम पर, आपके घर पर, आपके घर में आपकी सहभागिता पर आज और सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। अब हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना जन्मदिवस या वर्षगांठ बना रहे हैं। अगर आप में से कोई यहाँ उपस्थित है, आप कृपा खड़े होएं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज यहाँ कोई उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके लिए भी हम उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आइए, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आशीर्वादों के लिए, और प्रार्थना करते हैं जो व्यक्ति, जो लोग अपना जन्मदिन और वर्षगांठ पढ़ा रहे हैं, आप उनको अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, उनको सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, और उनके हर दिन को खुशियों से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बच्चों ने इंटर संडे स्कूल सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था और उनको कुछ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। बच्चों को हम सामने बुलाएंगे कि आके अपने ये सर्टिफिकेट्स को आप प्राप्त करें, और हमें गर्व है कि आपने इन प्रतियोगिता में भाग लिया, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। सबसे पहले क्रिस्टीना मैसी, अब बेटा आर्नल्ड नोएल, प्रिशा, फादर
त्रिशा, अंकिता, जोशुआ, हैरिसन, कनिशा, रेचल हैरिसन, रिशेल हैरिसन, रिशेल, तेजस्विता, जेनिफर मैसे, कुछ सूचनाएं हैं। और सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने 30 मार्च को ऑल डे प्रेयर के अंदर जो हिस्सा लिया। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अपने CPMF जिनके ड्यूज रह गए हैं वो कृपया करके उसको कंप्लीट करें, ऑफिस में वो ड्यूज जमा कराएं। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो 10 अप्रैल को ऑल नाइट प्रेयर रखा गया है आप सब उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हम लोग इसको 10 अप्रैल को रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये प्रेयर जो है कि जारी रहेगी, तो आप सब इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। इस डेट को आप अपने ध्यान में रखें, फ्लायर को आप कृपया करके लेके जाएं क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया है ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे। और हमारा भी 75th हिंदी कॉन्ग्रीगेशन की जो शुरुआत हुई थी उसको भी हम लोग मनाएंगे, तो कृपया उसके लिए भी जो है कि अपनी दुआओं में उन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि वो जो इवेंट्स हम लोग करते हैं तो उसमें खुदा जो है कि हम सबको और ब्लेसिंग देता रहे। हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग रही है 1,71,856 रुपये। आइए इस समय हम लोग अपने परित निवेदन की प्रार्थनाओं में हम लोग जाएंगे। आए हम अपने परहित निवेदन में हम समस्त मानव जाति के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करें। हे प्रभु, पुनर्जन्म और नवीनीकरण के ईस्टर चमत्कार की ताजगी को हमारे साथ रहने दे ताकि हम खाली कब्र से परे पुनर्निर्मित बगीचे को देख सकें और पुनरुत्थान में विश्वासी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम गाजा के रास्ते में सहायता कर्मियों की निर्मम हत्या तथा रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष की बढ़ती पीड़ा से बहुत आहत अनुभव करते हैं। हमें ये समझने में मदद कीजिए कि बुद्धिमानी युद्ध के हथियारों से बेहतर है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अगुवों में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को यह बुद्धि दे कि वह सभी के भले के लिए कार्य करें। आप सभी देशों का मार्गदर्शन करें ताकि दुनिया अपने बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए विशेषकर शिक्षण संस्थानों में अधिक जिम्मेदारी की ओर बढ़ सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप देश का दिशा निर्देशन करें और हमें इस तथ्य को समझने में सहायता कीजिए कि वोट देना न केवल हमारा अधिकार है बल्कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य भी है।
आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुवों, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सकें। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं, ताकि इसकी सेवकाई अन्य विश्वास प्रणालियों के साथ प्रासंगिक बनी रहे और हम सत्ता से सत्य बोलना जारी रखें। हम विशेषकर मणिपुर में शांति स्थापना के लिए प्रार्थना करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसियस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल, हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड डॉक्टर मोनुदीप डैनियल, रेवरेंड रतन राज तथा रेवरेंड जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस ग्रह को सजोने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम हिमालय और अरावली जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर सकें और विकसित दुनिया से पर्यावरण प्रबंधन में निष्पक्ष भूमिका की मांग कर सकें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में है अथवा मरणासन है, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हमारी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने के साथ ही अपने करियर की योजना बनाने जा रहे हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, जीनू इलासुंडी, कुसुम लता सेवक और कैलाश, और उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो इन बीमारों की और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना समर्थ प्रदान कीजिए। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। पाप स्वीकरण की प्रार्थना जो हमें मिलती है प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129, हम लोग सेक्शन नंबर 117 से हम लोग उसको शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया
जिसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि हम भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपका छुटकारा दें। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी शांति विवादन के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक ही आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। आइए समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 1002 और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। गीत नंबर 1002, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। Oh,
उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और इस रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। राजा सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अबे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मसीह के द्वारा शाश्वत जीवन प्रदान किया। आपने हमको विनाश की गुलामी से मुक्त कराया और अपनी संतान की महिमा में स्वतंत्रता में साझेदार बनाया। इसलिए स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उनके नमूने पर चलते उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया
और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र पारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे ईश्वर शक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। मसीह के देह में सब आदमी निकले इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। आइए, जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमेन। ये दीन प्रवेश की प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल हो। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार की मुक्ति दाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। Thank you.
शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हालेलुया। आइए, हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए आइए हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। शांति दाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। सेवा में लगे रहिए मसीह के नाम में। आमीन। आइए इस समय हम लोग अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 946। थोड़ा समय है, बाकी सेवा भी है।